हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज खाने पीने का दिल है, मैंने आपको बताया था कि मैं फूडी हूँ और आज आया हूँ मैं न्यू एशियन विलेज में, जो कि एडमंटन का एक प्रीमियर इंडियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे खाना बहुत मज़ेदार होता है। ये आपको पैटियो का एरिया दिख रहा है, यहाँ पे लोग समर में एंजॉय कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं। और आज मैं अंदर चल के देखूँगा क्या खाने को मिलता है। वैसे इनके छोले भटूरे बहुत पसंद है मुझे, सो आओ अंदर चल के देखते हैं। ये न्यू एशियन विलेज की एक खासियत है कि अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर ना आपको एंटीक पीसेस काफ़ी सारे दिखेंगे। जैसे ये एक मूर्ति बनी हुई है भगवान कृष्ण की एंट्रेंस पे, और अंदर भी ढेर सारा घुसते ही ये यहाँ पे इस तरह से ये एंटीक झूला है यहाँ पर, जो कि बड़ा अच्छा लगता है। इस पर कई बार आके बच्चे बैठ रहे होते हैं, यहाँ पर अपने सर्दियों के गर्म कपड़े जैकेट्स वगैरह टांग सकते हो। ये पीछे कोई पुराने मर्तबान की वो है। इंडियन रेस्टोरेंट में आए और अगर चाट भंडार नहीं देखा तो फिर क्या फ़ायदा। ये और ये यहाँ पे एक और बड़ी सी बोतल है। अरे भैया आ जाओ, मैं तो आपका ही मेहमान हूँ। ये इस तरफ कितनी अच्छी सजावट है वाइन्स की, और जो झालर है देखते ही मन खुश हो जाता है। आपको इनका बफे दिखाता हूँ, आपको ऐसे लगता है आप किसी महल में आ गए हो और आपको राजा जैसी फीलिंग आती है। ये यहाँ पे देखो ऊपर इन्होंने और ज़्यादा एंटीक पीसेज रखे हुए हैं। ये ढोल है, वो आई थिंक सितार है, ये पुराना हारमोनियम है, और कितना अच्छा है ये इनके मीठे का कॉर्नर, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ पे सैलेड्स और सॉसेज, आप अगर गौर से देखो इनके पास कितनी स्पेस है। ये मैं थोड़े खुले टाइम आया हूँ ताकि आप देख सको, जब यहाँ पे आप फ्राइडे को आते हो ना या थर्सडे को, तो बहुत भीड़ होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो छोले भटूरे कितने ज़बरदस्त हैं। मैंने कनाडा में कई जगह छोले भटूरे खाए हैं, लेकिन जो छोले भटूरे न्यू एशियन विलेज में है ना, वैसे कहीं ना टेस्ट है, ना पोर्शन है, ना क्वालिटी है। तो एडमंटन आओ तो यहाँ के छोले भटूरे में छोड़ के जाना। और छोले भटूरे के साथ में आप सैलेड देखो कितना लाजवाब दिया, साथ में यहाँ की चाय ज़रूर पीना, चाय बड़ी मज़ेदार है।